नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। जी हां, गंज वसोदा तहसील के नवीन बस स्टैंड पर आज वार्षिक रामलीला मेले में भगवान राम का दरबार सजाकर आरती की गई। इसी के साथ रामलीला का मंचन प्रारंभ हो गया, जो 14 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक हरि सिंह रघुवंशी, पूर्व विधायक निशंक जैन, नगर पालिका अध्यक्ष मधुलिका अग्रवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहन भावसार, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र रघुवंशी, मेला समिति अध्यक्ष राजू ठाकुर और सीएमओ सुधीर उपाध्याय सहित विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने भगवान राम की आरती उतारी। इस दौरान भव्य आयोजन में वर्तमान विधायक लीना जैन और भाजपा जिला अध्यक्ष की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। गंज वसोदा में रामलीला मेले का आयोजन पिछले 50 वर्षों से किया जा रहा है। वृंदावन से आए रामलीला मंचन के संचालक लल्लू राम ने कहा कि वे लगातार 10 वर्षों से रामलीला का मंचन कर रहे हैं। रामलीला में राम दरबार की झांकी के साथ मंचन प्रारंभ हो गया। वहीं कल से विभिन्न लीलाओं के माध्यम से दर्शकों को राम के चरित्र का वर्णन दिखाया जाएगा। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। बाकायदा साथ सम्मान बुलाया गया था और नहीं आने का उन्होंने कोई कारण नहीं बताया है। अध्यक्ष भी नहीं आए यहाँ पर। जी, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष की वो भी नहीं आए। उनके पास भी बाकायदा सम्मान से पत्र पहुँचाया गया था और नहीं आने की भी कोई वजह जो ठोस है वो नहीं पहुँची है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि अब अगले जो वर्ष में मेला आएगा तो उसमें मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय से किसी दो बड़े आयोजन के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है कि मदद वहाँ से कराएंगे।